बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे और खुश खुरम होंगे। आज मैं पालक गोश्त बना रही हूँ, चिकन गोश्त और पालक। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पालक गोश्त बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने ना तकरीबन 1.5 kg पालक लिया है, और मैंने पालक को बॉईल करके रखा हुआ है, और 1 kg चिकन है, और एक बॉल मैंने लिया है दही का, और 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा चाय चम्मच हल्दी मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच जीरा काली मिर्च, और पिसी हुई लाल मिर्च है, और आधा चाय का चम्मच हल्दी मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, नमक हसब ज़रूरत, और 1 बड़ा चम्मच मिर्च का, और कड़ी पत्ता। मैंने देचकी में घी डाल के ऑयल डाल के ज़ीरा और काली मिर्च डाल दिए। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट फ्राई करती हूँ। इसके अंदर मैंने प्याज डाल दी, प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया तो अब ज़्यादा नहीं। इसमें मैंने चिकन डाल दी और मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा हसबे ज़रूरत के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। दही डालने से ये होता है कि हमारा चिकन टुकड़े टुकड़े होकर ख़राब नहीं होता, तब बिल्कुल सही रहता है। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर मैंने 3 से 4 मिर्चें सब्ज मिर्च डाली हैं, उसको मैंने ग्राइंडर किया है, तो इसलिए उनका रंग थोड़ा थोड़ा ना ग्रीन ग्रीन आ रहा है। ये कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया है, और अभी मैं इसमें बाकी मसाले डालती हूँ। अब मैं ये सारे मसाले इसके अंदर डाल दूँ। कितना ज़बरदस्त चिकन कुक हो चुका है, और तकरीबन 45% ये कुक हो चुका है। अब इसमें पालक डालते हैं। अब हम पालक को चिकन को तकरीबन 25 मिनट्स पकाएंगे, तकरीबन 25-26 मिनट्स के बाद ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि पालक पहले से भी है, बस चिकन को इसमें पकना है। माशाल्लाह से हमारी पालक गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, तो
मैं इसे सब करके आप सबके सामने